सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है एमएससी प्रीवियस ईयर जूलॉजी के। अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे पेपर नंबर 6 का। 6 कौन सा? अपना पेपर बायोस्टेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इस चैप्टर के अपन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होते हैं और जो इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता होगा कि अपने टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन रहता है हमेशा कंपलसरी रहता है, इसके अंदर एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, फिर आता है सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन। इन दोनों के अंदर क्या आता है? डिवाइडेशन रहता है इसके अंदर ए बी सी डी का, और इसके अंदर अपन को करने होते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करने होते हैं। ओके, मतलब एक तरह से बोले शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ एंड जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन। कई बार हो जाता है, चांस तो बहुत कम रहता है, लेकिन कई बार हो जाता है कि इसी के अंदर भी अपन को डिवाइडेशन देखने को मिल जाए ए एंड बी सेक्शन के रूप में। तो छोटे क्वेश्चंस भी आज अपन देख लेंगे, बड़े क्वेश्चंस भी अपन देख लेंगे, और इसके जो नोट्स हैं बायोस्टेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स के, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बोले तो इसे, ये जो अपन क्वेश्चन देखने वाले, इनके आंसर आपको कहां मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट क्वेश्चंस की, पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर क्लॉक्स। What is the molecular clocks? Okay, ये शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिल सकता है। फिर माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, What is the फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड मैक्रो एंड माइक्रो इवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आ जाता है मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, स्पेसिएशन के क्या मोड्स है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे सिंपेट्रिक क्या होता है, एलोपेट्रिक क्या होता है, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन क्या होता है, इन सबको क्या करना है आपको। देखिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसी के अंदर भी डायरेक्ट आपसे एक मोड्स ऑफ स्पेसिएशन नहीं देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज द एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, व्हाट इज द पैरापेट्रिक, व्हाट इज द सिंपेट्रिक, तो तीनों में से नाम आ गया। मतलब जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, याद रखना बड़े क्वेश्चन में से ही हमेशा छोटा क्वेश्चन बनता है। फिर आ जाते हैं कोरिलेशन एंड डिग्रेशन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है चाई स्क्वाई टेस्ट क्या होता है, इसको आपको बताना है। फिर मियोटिक ड्राइव क्या होता है एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है डार्विन वाद के थ्रू, मतलब डार्विनिज्म है उसके थ्रू आपको बताना है डार्विन का सिद्धांत क्या था, लेमार्क का क्या था, वो चीज आप नेचुरल सिलेक्शन में बता दोगे। फिर आ जाता है एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, इसको बताना है। फिर जीन इवोल्यूशन क्या होता है एंड माइग्रेशन क्या होता है, इसको बताना है। और फाइलोजेनिक क्या होती है, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना। ये कुछ शॉर्ट नोट्स है जो बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं, तो इस बार भी चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। फिर अब बड़े वाले क्वेश्चन की ओर चले, तो फिर आ जाता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आपको स्कोप बताना है एंड एप्लीकेशन बतानी है किसकी, बायोस्टेटिक्स की, कि बायोस्टेटिक्स में क्या इसकी एप्लीकेशंस है, इसमें क्या स्कोप है, ये सब आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। फिर आता है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होती है, व्हाट इज द इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स है, उन सबके बारे में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना होगा। फिर आता है पैटर्न एंड मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, की रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की आपको मैकेनिज्म बतानी है एंड इसके क्या क्या पैटर्न्स हैं, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये जो प्री जायगोटिक हुआ, पोस्ट जायगोटिक, ये सब किसके अंदर आता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में। अब नाम से पूछ लीजिए व्हाट इज द प्री जायगोटिक, पोस्ट जायगोटिक का आइसोलेशन को समझाइए, तो ये सब किसके है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के पार्ट है। तो ये देखिए, अब बड़ा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन से क्या बन रहे हैं, छोटे वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताना है स्पीसीज का, कि स्पीसीज का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताना है, और थ्योरीज आपको कौन कौन सी थ्योरीज है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की, वो सारी की सारी थ्योरीज आपको बतानी होगी। फिर आ जाता है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या होती है एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट बात करें तो जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन की, जेनेटिक स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन डिजीज फ्रीक्वेंसी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन डिजीज फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आ जाता है हिप मैप क्या होता है एंड टी टेस्ट क्या होता है, इसको क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की हो, या जो सिर्फ पास होना चाहते हो, क्योंकि ये सारे के सारे आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको पास से भी ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। और जिन्होंने तैयारी पहले से ही कर रखी है उनके लिए तो एक बहुत ही
बड़ा चांस है ये, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपके मन में रहता है कि क्या क्वेश्चन क्या आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन है वो इस तरह से आएंगे और अब आप उन्हें पढ़ तो लिए, ये तो आप इनको मान लीजिए कि आपका एग्जाम पेपर है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, अब आप सॉल्व करोगे तो बीच बीच में छोटे मोटे क्वेश्चन भी आएंगे तो वो क्या है शॉर्ट नोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अच्छी बात है ना कि आपने कोई चीज आपसे छूट गई थी वो आपको अभी आपकी कवर हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपना लास्ट लेक्चर था इसके ऊपर, प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर, क्योंकि अब अपने सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, सारे पेपर मैंने अपलोड कर दिए, आप सारे पेपर देखिए और एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और इसके नोट्स वगैरह भी मैंने डाल रखे हैं और इसकी कुछ क्लासेस भी ले रखी है, उसके लिंक में वो आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।